नमस्कार दोस्तों, आज मैं केदारकाठा के रास्ते में चाचा जी के ढाबे पे हूँ। इस ढाबे पे एक बहुत ही स्पेशल चाय मिलती है, चोरू की चाय। चोरू यहाँ की एक लोकल जड़ी बूटी है जो जंगलों में पाई जाती है, और इसका बोटैनिकल नाम एंजेलिका गोलुका है, और बड़ी खुशबूदार जड़ी बूटी होती है। तो इसके बारे में बाकी चाचा जी के ढाबे के जो मालिक हैं वो बताएंगे आपको अच्छे से। और इस चाय को पीने काफ़ी लोग आते हैं, स्पेशली आप जब भी आए केदारकाठा तो चाचा जी के ढाबे पे आके ज़रूर इस चाय का स्वाद लें। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और स्वादिष्ट भी है। और चोरू के साथ साथ कई और जड़ियाँ भी ये यहाँ पर डालते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं सूरज सिंह रावत जी से, जो इस ढाबे के मालिक हैं, वो हमको चाय भी पिलाने वाले हैं आज ये बना के। हाँ सर जी, मेरा गांव ये सौड़ गांव है, हम यहीं के निवासी है जन्मजात से ही, काफ़ी पहले से दादा परदादा से। तो ये केदारकाठा जब से मतलब ये फेमस हुआ है तो मेरे को भी 4-5 साल हो गए। थोड़ा अपने रोज़गार के लिए चाय की दुकान रखी है, जिससे हमारा हल्का फुल्का दवाई का या घर का खर्चा निकल जाता है। हमें खुशी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए और इस क्षेत्र का विकास हो, यही है सर। बाकी तो हम लोकल चाय बनाते हैं, जैसे गाय का दूध हुआ, कुछ हल्के फुल्के पुदीना मिंट आदि, ऐसे चोरू चारू अदरक उसको मिला के। विशेष तरह हम मतलब केमिकल से दूर है, कोशिश रख रहे हैं हम कि हम लोकल खिलाए टूरिस्ट को। इसी में ऑर्गेनिक भी होता है? हाँ जी, ऑर्गेनिक ही में होता है सर, क्योंकि जो हमारी गाय है वो भी ऑर्गेनिक ही घास खाती है, वो कोई खाद वाला फर्टिलाइजर वाला घास नहीं खाती है। तो दूध भी हर्बल ही में आता है, वो नेचुरली है। ठीक, तो आपका दूध आप नीचे से लाते हैं? हाँ जी, अपने घर से लाते हैं, गायें हैं घर में, इसके पापा भी है, मेरे पापा भी है। तो 3-4 किलो आ जाता है दिन का। ठीक, हाँ जी, हो जाता है सब। तो अभी आप मेरे को कौन सी चाय पिलाने वाले हो? अब ऐसा है सर, हमारी तो ज्यादा जिंजर लेमन हनी टी बिकती है, दूध वाले वैसे कॉफी में यूज करते है लोग, बाकी जो भी पर्यटक आता है वो लेमन का ज्यादा यूज करता है। जिंजर लेमन हनी टी चाचा ढाबे की फेमस है सर, जो भी आदमी पीते हैं तो 50 रुपये में उनको बहुत मुश्किलात नहीं होती है, रेट को सुन के वो खुशी से हमें 60-70 रुपये देने की कोशिश भी करते हैं। ये हमारा एक रखा हुआ है कोशिश डाक, ये सील बट्टा रखा हुआ है सर, ये पूरा नहीं, ये भी पत्थर है, ऊपर से ये कूटने के लिए भी पत्थर है। एक मिनट, आप इस तरह वाले। ये भी पत्थर है, ये भी पत्थर थोड़ा हमसे धो धा के यहाँ से बाहर से मिट्टी से इसको फिक्स किया गया है। बाकी फिर हम यहाँ से अदरक से शुरू करेंगे, इसको जिंजर से इसको कूटने से इसका पूरा रस आ जाएगा सर, पूरा फ्लेवर इसका चाय में आ जाएगा। तो हम ये 2 चाय के लिए इतना पहले अदरक डालते हैं, फिर इसमें थोड़ा पानी पड़ेगा, गर्म पानी, जो कि हमारा पहले से गर्म रहता है। हल्के फुल्के गत्ते वगैरह या हल्के फुल्के जंगल से झाड़ी झूड़ी ला के इस पानी को रेडी रखते हैं, फिर इसको किया जाता है। फिर एक दूसरा एक चोरू नाम की ये जड़ है सर, ये ऊपर हाइट हाइट के गांव में मिलती है ये। अच्छा, हमारे रिश्तेदार भी ऊपर लिवाड़ी कासला ओसला की तरफ से थोड़ा बहुत लाते हैं। तो इतनी जड़ जो है इसको हम 100 चाय में भी डालेंगे तो पूरा ये अपना फ्लेवर दे देगा। ये छोटी इलायची लौंग आदि हम ज़्यादा यूज नहीं करते इसके सामने। फिर थोड़ा सा हम इसको एक चाय के लिए इतना भी कूटेंगे तो इसका पूरा आपको पता लग जाएगा पीने में, मतलब ये इतनी सी डालने से आपको पूरा फ्लेवर मिल जाएगा इसका चाय में। ठीक, हाँ जी। तो 1-2 पत्ते ये लोकल वैसे तो इसको नीचे उसमें भी डालते हैं, कड़ी पत्ता बोलते हैं, पर यहाँ का ये लोकल है नदी के किनारे, तेज पत्ता भी बोलते हैं, कोई कड़ी पत्ता भी बोलते हैं सर इसको। तो नीचे का थोड़ा उतना अच्छा नहीं होता है, ये लोकल यहीं का है, ये नदी के किनारे इसके काफ़ी पेड़ है, तो थोड़े से हम हल्के फुल्के इसको भी 1-2 पत्ते थोड़ा चाय के उसके लिए ला सकते हैं। और हल्की सी इसमें चाय पत्ती पड़ती है लोकल, ये बारोमल वालों के विकास नगर से, इसमें लोकली चाय पत्ती है, इसको लाते हैं हम, इसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब ये भी ऐसी नहीं है वो जैसे आज सुनने में आ रहा है कि हर कंपनियां कलर मिलाती है चाय पत्ती में या क्या करती है, तो इसका भी एक विकास नगर में बारोमल नाम से किसान है जो अपनी चाय पत्ती मतलब सच्चाई से बेचता है, तो उसी को यूज करते हैं सर हम। तो इसमें ना कोई रंग है ना कोई चीज़ है, फिर ये हनी है, लोकल भी है, इसमें ये डाबर का भी है, फिर ये नींबू है,
इसको हम अभी आपके सामने उबाल के बना के आपको पिलाएंगे, फिर इसको आपको लगे कैसा है। तो ये चाचा का ढाबा कैसे नाम रखा आपने? चाचा का तो ऐसा सर, जो गाइड लोग है ये भी मतलब हमारे बेटे के समान है, थोड़ा सीनियर जूनियर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से वो चाचा है, चाचा बोलते हैं। तो एक बंदा है, कोई कंपनी नाम का है, अनिकेत नाम का है, कोई बंदा दिल्ली से अपने ट्रेकिंग चलाता है, उसके जगह जगह चलते रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हम किस एड्रेस पे यहाँ भेजे, कि आपके ढाबे में किस बेस पे रोके कुछ नाम। हाँ जी, कई ढाबे है, आपका कौन सा है? तो मैंने बोला सर जो आपको अच्छा लगता है, वो मेरे को चाचा बोलता है। तो उसने फिर लिखवा के पहला बोर्ड वो सामने लगा हुआ है, तो उसने ये चाचा का ढाबा नाम करके मेरे को मतलब यहाँ बोला कि आप चाचा ढाबा नाम करके मतलब इसको चलाओ। और वो भी जो कोई भी कंपनी आती है तो पहले टूरिस्ट को बता दिया जाता है कि जिनको मतलब ये हनी टी, ये चोरू वाली है, ये मसाले लोकल हर्बल मसाले वाली चाय चाहिए, तो चाचा के ढाबे में रुकना। इसलिए सर थोड़े हड़के फुलके बोल्ड बाट भी लगे हुए, तो मतलब थोड़ा फिर लोग इसी उसके लिए चाचा का ढाबा नाम पड़ा हुआ। वो कई लोग पूछते भी है कि आप तो जवान है चाचा, आप नहीं लगते। तो उम्र कितनी है? मेरी उम्र है सर वैसे तो 52 है। हाँ चाचा लायक है, उम्र है वैसे कोई ज़्यादा नहीं भी नहीं है। तो ये सर ये जिंजर लेमन हनी का काढ़ा तैयार हो गया। ये मतलब जो कश्मीरी कावा है उससे भी अच्छा इसका रिजल्ट हमको मिला है। मतलब जो लोग कश्मीर से भी पी के आते हैं या लद्दाख में भी बनता है कावा, तो उससे अच्छा लोग बताते हैं कश्मीरी कावा से इसका रिजल्ट अच्छा है। सर ये हनी टी के गिलास की क्वांटिटी थोड़ा बड़ी भी है, इसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देना पड़ता है ताकि आदमी के अंदर, और बाकी चाय के छोटे वाले गिलास में यूज करते हैं हम। यही है सर, इसको थोड़ा इससे आधा भरना पड़ता है, फिर इसमें जाएगा। हनी कौन सा लेंगे आप, लोकल लेंगे या डाबर का लेंगे? लोकल ही लेंगे, डाबर। ठीक है सर। हाँ ज़्यादातर इसका रिजल्ट अच्छा ही मिला है, क्योंकि जो डुप्लिकेट हनी है सर वो आजकल जम जाता है, और ये ओरिजिनल हनी है ये नहीं जम रहा आजकल, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो इसमें आधा से पौन चम्मच इसमें ये हनी देना है सर, फिर उसके बाद ये नींबू, मतलब आधे नींबू से भी कम का इसमें रस पड़ेगा, वो भी जो चौक। सर ये आपकी हो गई हनी जिंजर लेमन टी, इतना नींबू इसमें फ्लेवर के लिए फिक्स है सर। फिर इसको थोड़ा 20 से 30 सेकेंड तक इसको घुमाना ताकि इसका हनी का पूरे उसमें वो आ जाए। इसको आप चम्मच से भी पी सकते हैं और वैसे गिलास से भी पी सकते हैं। इस चाय पीने का तरीका यही है कि इसको आप अगर हाथ में पकड़ेंगे तो जल भी जाएगा हाथ, क्योंकि ये स्टील है थोड़ा। हाँ जी, स्टील का गिलास है, फिर ये काढ़ा थोड़ा गर्म भी रहता है सर, दूध वाली चाय उतनी गर्म नहीं होती है। तो इसको थोड़ा घुमाने के लिए इसका सहयोग लेना पड़ेगा। मैं ये डाइनिंग टेबल के यूज के लिए रखा है तीसरा पट्टा, तो इसको आप घुमाएंगे 20 से 30 सेकंड तक, फिर उसके बाद आप पी सकते हैं सर, आपकी चाय रेडी है, पीजिए आराम से। लो जी दोस्तों, जिंजर लेमन हनी टी विद चोरू और कई तरीके की जो हर्ब्स हैं यहाँ पे मिलती हैं लोकल में, ऊंचाई के क्षेत्र में ही अधिकतर ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसको टेस्ट करते, मुझे पता अच्छी तो आई, पहले भी मैंने पी है। सर्दी में खासकर इस स्टील के गिलास के फ़ायदे भी कई हैं कि हाथ भी आपका सिक जाता है, और चाय तो है ही अपने आप में बहुत स्वादिष्ट। इसको आपको नॉर्मल हनी टी तो आपने पी होगी, हनी जिंजर लेमन टी, पर जैसे चोरू और दूसरी जो ये जड़ी बूटियाँ डाल के पीते हैं तो इसका स्वाद मतलब लाजवाब है, कुछ और ही है, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है ये। यहाँ प्रकृति के बीच में, क्योंकि ये फॉरेस्ट ही है चारों तरफ हमारे, यहाँ बैठ के इस चाय का आनंद
आप ज़रूर लें जब भी केदार काटा ट्रैक पे आप आ रहे हैं, या मेरी तरह मैं केदार काटा तो नहीं जा रहा पर मैं सिर्फ ये चाय पीने के लिए इस ढाबे तक आया हूँ यहाँ ऊपर। तो दोस्तों ये देखो लकड़ सी है छोटी सी, इसको चोरू बोलते हैं। हाँ तो ये इसका सर ऐसा फ्लेवर है, मतलब इसका स्वाद ऐसा है कि अगर आप लौंग या अजवाइन या छोटी इलायची डालेंगे तो उसके ऊपर अगर इसको डाल देंगे हम थोड़ा सा तो सबको ये दबा देगा, अपना खुशबू ये अलग से पैदा कर देगा, उन चीज़ों को लगेगा नहीं कि इसमें क्या है। सिर्फ अदरक का इसका मेल खा सकता है, बाकी और मसाले को ये नहीं मानता। यहाँ क्या क्या मिलता है? ये बंद मस्का है, मैगी है, चाय, कॉफी, जिंजर लेमन हनी टी, मिल्क टी, लेमन टी, नींबू पानी, बुरास का जूस। बुरास का जूस मिलता है? हाँ। बुरास का जूस आप खुद बनाते हो? हाँ खुद बनाते हैं। अच्छा। हाँ आपको कितना समय हो गया यहाँ काम करते हुए? बस 3 साल हो गए थे। अच्छा। अच्छा 3-4। तो आपका गांव भी यही है नीचे? हाँ नीचे सौड़। तो ये क्या बना रहे आप? ये बंद मस्का। बंद मस्का। हाँ लगे लो जी दोस्तों, ये है बनमस का। शक्ल पे मत जाना क्योंकि मैं पहले इसको खा चुका हूँ, इसमें भर भर के मक्खन लगाया है इन्होंने। बहुत बढ़िया भाई। तो दोस्तों बनमस का खा के और चाय पी के एकदम तरोताज़ा हो गए हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा जब भी आप यहाँ पे आएँ दोबारा से कि यहाँ पे आके रुक के ज़रूर कुछ ना कुछ खाने का आनंद लें। अच्छी बात यह है कि अधिकतर चीज़ें ऑर्गेनिक हैं, खासकर जो इनका दूध है वो नीचे गाय का है, खुद की गाय है इनकी, वो लेके आते हैं, उनका चारा खुद के खेत से आता है, सब ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक दूध पीना नीचे शहरों में तो इम्पॉसिबल ही है, तो यहाँ आपको ऑर्गेनिक दूध की चाय भी मिलेगी। कैसा है? अच्छा है। मद्रेस